एचटीएमएल एचटीएमएल लिख के टैब दबा दिया, आ गया। और यहाँ अबे हट ना, कॉपी फाइल पास कर लूंगा, ओपन कर लूंगा मैं ब्राउजर। एंटर, हाँ प्रिंट हो गया, ठीक ना। स्क्रिप्ट टैग में आप जो भी चाहें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, जैसे मैं स्क्रिप्ट टैग दबाया, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाया हेड टैग में, और यहाँ पे मैंने अलर्ट में लिख दिया यही हेलो वर्ल्ड, ठीक है। डबल कोट में कर दूंगा, स्ट्रिंग है इसलिए। रिफ्रेश किया ये आ गया, ठीक। तो स्क्रिप्ट टैग को आप कहीं भी लिख सकते हैं, हेड में लिखें या फिर अरे बॉडी के दिखाई नहीं अंदर दिया लिखें, अमन कोई भाई, बॉक्स दिखाई में। नहीं दिया, कहाँ आया है? अरे अच्छा दिखाई नहीं दिया, आओ, मैं बैक कर रहा हूँ। अच्छा बहुत जो फास्ट है। मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? नहीं वो अभी आपका कर्सर HTML के कोड पे है, HTML लास्ट वाले पे। हाँ हाँ वहीं पे है, ठीक है, धीरे अब एक धीरे बार राइट इसको क्लिक रन कीजिए, अलर्ट में हेलो वर्ड लिखा हो इसको रन कीजिए ना एक बार। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। कॉपी फाइल पास किया, ठीक ना। अब ओपन करूंगा मैं ब्राउजर, यहाँ पे मैं आया और पेस्ट कर दिया लोकेशन, एंटर किया। तो जैसे ही एंटर किया, हेलो वर्ल्ड मेरा अलर्ट में यहाँ पे प्रिंट ओ हो ठीक है गया, ये ठीक। अलर्ट बॉक्स में आ गया। हाँ ठीक है, अच्छा प्रिंट हो गया अब, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और यहां से हटा दो तो ये बॉडी में भी लिखा जा सकता है। नहीं खरीदेंगे भाई हम लाइसेंस, भारत वाले हैं, फ्री वाला चीज चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो हमने जो है प्रिंट कर दिया किससे, अलर्ट के सहायता से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंसोल में प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे कर देंगे HELLO, हेलो। जी क्यों दब जा रहा है, और फिर आएंगे यहाँ पे और राइट क्लिक मैं करूंगा, ये देखिए यहाँ कंसोल पे दिखाई देने लगा लगा, कंसोल पे इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक ना। दूसरा टेक्निक ये है कि DOC मेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और यहां पे भी लिखेंगे हेलो, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखिए यहां पे भी लिखा गया, ठीक है। तो ये तो कंसोल में दिखाया, ठीक है। वो ये ब्राउजर पे दिखा दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या, ब्राउजर ब्राउजर में पे दिखा दिखा। दिया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी पूरा विंडो दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे प्रिंट स्क्रीन करूं और मैं पेंट में रिपोर्ट आऊं, ठीक चलाया गया किसी ने? है। पेंट पे मैं आ गया इधर, अब दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ कॉर्नर से लेकर के एक टोटल जितना आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टोटल डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा ये डॉक्यूमेंट है, ये पूरा नीचे तक पूरा है डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या हुआ, राइट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, जैसे कंसोल है, ठीक है, तो कंसोल को एक बार और मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब रन करते हैं प्रोग्राम, यहाँ पे आया एंटर मारा, ठीक है। तो दोबारा भी आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया हेलो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे लिख दूंगा
एसटीआर, और यहाँ पे आके कर दूंगा ऐसे, ये देखिए लाइन ब्रेक कर दिया। मतलब हम बिया अगर कोई एसटीएमएल कंटेंट लिखते हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो क्या होगा, वो भी जो है चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा जो है प्रिंट कर लिया करेंगे, तो आउटपुट देना तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम प्रिंट कर लिया करेंगे। यहाँ पे लेट से भी वेरिएबल बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट से भी वेरिएबल बन जाता है, और फिर वायर कीवर्ड से भी बनी जाता है। नेम थ्री लिखता हूं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल बना लेंगे। डिफरेंस क्या क्या है तीनों में? मैं आ रहा हूँ उस पे। डिफरेंस मैं अभी ये बता दूं कि बाद में बताऊं? जब बताना हो आपको। यहाँ पे तीन कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे वन, ठीक है। अब मैं रन कर दूंगा इसको, ठीक है। ये तीनों नाम जो है प्रिंट करके सामने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रिंट हो जाएगा। लेट का क्या मतलब? वेरिएबल टाइप का बताइएगा, लेट का मतलब क्या है? यहाँ पे वेरिएबल टाइप बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप जो डेटा असाइन करेंगे वही डेटा जो है इसमें चला जाएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, इन सबको हटा दूंगा, ठीक है, सबको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, लेट इक्वल टू टेन। लेट का मतलब क्या है? लेट का लेट की वर्ड है जो कि वेरिएबल बनाता है ये, ठीक है, ठीक है। अगर आपने वायर केस से वेरिएबल बनाया, ठीक है, हाँ, तो इसका स्कोप जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेट की मदद से बनाया तो बाहर एक्सेसिबल नहीं होने देता, और यही अगर कॉन्स्ट के सहायता से बनाया तो ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा, एन का वैल्यू दोबारा आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेट और वायर को और जो है आगे और समझेंगे, अभी तो मैं नहीं समझा रहा हूँ कुछ इसके बारे में, ठीक ना। देखिए जैसे मैं नंबर पास कर दिया अभी, ठीक है, n प्लस n वन कर दिया और सेव कर दिया, तो यहाँ पे जो है 20 आ गया। तो आप यहाँ पे जो भी देंगे, जिस टाइप का वैल्यू असाइन करेंगे उसी टाइप का इसका डेटा टाइप बन जाएगा, ठीक है। जैसे लेट ने में कुछ भी ए बी सी डाल दिया, ठीक है, कॉन्स्ट वाले में 10.5 डाल दिया, ठीक है। और क्या करूंगा, टाइप ऑफ एन, ठीक है। इस तरह से आप डेटा टाइप बेस चेक कर सकते हैं। मजा नहीं आ रहा है, बीआर लगा दीजिए। बस बस वही मैं चाह रहा हूँ, बीआर दे देता हूँ यहाँ पे, बीई कह के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये दे दिया मैंने बीआर। तो ये देखिए, नंबर दिया पहला, फिर नंबर दिया, फिर स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। ये जो फ्लॉट वाला है ना, फ्लॉट को भी ये नंबर ही बताता है टाइप ऑफ के मदद से, अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि कोई पूछे, इसको पूछ लिया जाता है कि ये फ्लॉट डेटा टाइप जो है इसको क्या बताएगा, तो जावास्क्रिप्ट इसको टाइप ऑफ में नंबर ही कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से
जो है हम इस पे काम कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट बॉक्स बनाता हूँ, लेकिन इनपुट बॉक्स में ही बनाता हूँ मैं, इनपुट बॉक्स में मजा नहीं आएगा। मैं बनाता हूँ इनपुट टैग, टाइप में टेक्स्ट ले लूंगा और नेम में नेम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आईडी में ले लेता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे एक ले लेता हूँ बटन, ठीक है, और बटन का टेक्स्ट मैं राइट कर देता हूँ सो, और यहाँ पे आता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या चाहता हूँ, पहले तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, इनपुट बॉक्स आ गया, ठीक है, तो यहां मैं इनपुट करूं नेम और फिर ये ऑटो फिल आ रहा है, मेरे को ये पसंद नहीं है तो इसको मैं गायब कर दूंगा। तो यहां पे मैं टाइप करूं नेम और जैसे ही शो बटन पे क्लिक करूं तो मेरा नाम नीचे शो हो जाना चाहिए, ठीक है, मैं ये चाहता हूं। मतलब कुल मिला के कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें यूजर से इनपुट लेना है इस इनपुट बॉक्स के मदद से। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में आप कैसे फंक्शन बनाए, जावा में आप कैसे फंक्शन बनाते थे, लिख देते थे आप void, so, और ऐसे कर देते थे, यही करते थे ना जावा में, yes, yes. तो बस क्या करना है कि जावा में रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, यहाँ void के जगह पे क्या करिए, function फंक्शन लिख दीजिए, बस ये बन गया जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन लिखने के बाद क्या करिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहां लिख देता हूं, ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, सेलेक्ट करने के तो एक नहीं तीन चार पांच टेक्निक है, ठीक है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को खाली एक ही तरीका बता रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या दे रखा है, इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए नेम, ठीक, यहां पे मैंने नेम दे दिया है आईडी का वैल्यू, ये आईडी है, इसका एट्रीब्यूट है नेम, नहीं आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू है नेम, तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी के सहायता से मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये इंक्रीमेंट कहाँ पे है, तो ये इनपुट एलिमेंट कहीं ना कहीं ये वेब पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर ही तो बंद है, वेब पेज जो ओपन हुआ है उसी के अंदर ये सारा एलिमेंट होते हैं, सारा कंट्रोल सारा कंपोनेंट जो भी आते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, जावा क्या है, जावा में हम कैमल कैश का इस्तेमाल करते हैं मेथड के लिए, राइट, तो जावा स्क्रिप्ट में भी मेथड के लिए कैमल कैश ही इस्तेमाल होता है, राइट, जैसे डॉक्यूमेंट क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये जो होल पेज पूरा दिखाई दे रहा है ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर से हमें कौन सा मेथड कॉल करना पड़ रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, तो गेट पहला शब्द में जी स्मॉल कर दिया, फिर एलिमेंट का ई कैपिटल, बी का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देंगे हम आईडी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाला इनपुट एलिमेंट जो है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, अगर ये इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है तो दिखना चाहिए कंसोल के अंदर, मैं इसको क्या करूंगा,
प्रिंट करके देख लूंगा का सच में सिलेक्ट हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात आता है मेथड को कॉल करने का कि मेथड को हम कॉल कैसे करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस बटन को क्लिक करें बटन पे। ठीक है, तो बटन के क्लिक करते ही हमारा मेथड कॉल हो जाए। तो हमें क्या करना होगा कि इस बटन में हमें क्लिक इवेंट पास करना होगा। अब जावा में आप लंबा चौड़ा लिस्नर उस्नर पता है क्या क्या करते हैं, यहां मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऑन क्लिक मेथड पास कर दूंगा। ठीक है, ऑन क्लिक लिखा और यहां पे लिख दूंगा मैं सो ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से मैं सो लिख दिया यहां पे। अब मैं आता हूं नीचे, जैसे ही सो करूंगा सो मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। इस पे क्लिक करा कि तो नल आ गया, मजा नहीं आ रहा है, नल आ गया, इसको तो नल आना नहीं चाहिए था, तो क्यों नल आ गया। मैं यहाँ पे नेम लिखने के बजाय आईडी लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे नेम ही लिखना पड़ेगा। ठीक ना, अब फिर से यहाँ पे आते हैं, पेज रिलोड करेंगे और यहाँ पे कुछ भी कर देंगे, लिख देंगे और कर देंगे एंटर। तो देखिए पूरा इनपुट एलिमेंट आ गया ना। फिर से मैं रिलोड करता हूँ और सो बटन पे क्लिक करता हूँ, तो सारा इनपुट एलिमेंट आ गया। अब इनपुट एलिमेंट के अंदर से क्या हमको चाहिए, वैल्यू। ठीक, इसमें एक वैल्यू प्रॉपर्टी भी तो होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू में जो भी हम कुछ भी लिख देंगे तो वैल्यू में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये देखिए वैल्यू में आ गया। अब इस पे क्लिक करा हमने तो यहाँ पे हमें दिखाई देने लगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेम यहाँ पे लिखा है नेम डॉट बी ए, वैल्यू कॉल कर दिया हमने कंसोल डॉट लॉग में, तो क्या हो गया, अब वैल्यू हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखिए कुछ भी आ गया। मैं इसको बदल के कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर क्लिक किया, यहाँ पे नेम आ गया। तो अब जो आप चाहें यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं और फिर जो है प्रिंट हो जाएगा। तो यूजर से इनपुट लेने का ये तरीका एक है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा सबसे, नहीं बनेगा। अब ये वाला वैल्यू मैं एट्रीब्यूट हटा दूंगा ना, हाँ, तो भी ये हमारा काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, फिर सो पे क्लिक करूंगा तो भी वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतने में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को, होगा नहीं होगा। अब इसी को मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर लिख दूं तो क्या प्रिंट नहीं होगा, होना चाहिए, स्वाभाविक बात है, प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम लिखा और कर दिया एंटर। तो देखिए नेम तो लिखा गया लेकिन जो बचा खुचा था वो सब गायब हो गया, उसमें प्रिंट हो रहा है। क्या करें, कंसोल वाला लिखा तो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है और डॉक्यूमेंट से लिखा है तो इस पे प्रिंट हो रहा है ना। हाँ सही ही कह रहे हैं आप, मैं कंसोल वाला हटा दे रहा हूँ, लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ गया कि जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ लिख करके करा इस पे क्लिक, तो ये गायब हो गया, ये मजा नहीं आया। अब गायब क्यों हो गया, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ करा और जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सब डिलीट हो गया और यहाँ पे खाली टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, चलिए मैं कुछ और भी करता हूँ। इसमें कुछ डेटा भी राइट कर दिया यहाँ पे ऐसे,
ठीक है, डेटा भी राइट कर दिया यहाँ पे कुछ। अब यहाँ पे करूंगा क्लिक इस वाले बटन पे, तो सब गायब हो जाता है और रह जाता है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिल जाता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर हम चलाएंगे तो जो पहले से जो भी वैल्यू पड़ा होगा वो सब गायब कर दिया जाएगा, सिर्फ किसका डेटा रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। तो ये तो मजा नहीं आया इसका कंडीशन सुन के, नहीं मजा आया ना। आ गया नहीं मजा आया। चलिए कोई बात नहीं, मजा नहीं आया तो हम आपको मजा दिलाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे br टैग, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे एक पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे id ऐसे, ठीक है। यहाँ पे id लिखने के बाद क्या लिख देंगे, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू मैंने दे दिया। ये क्या मैंने बनाया, पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने बनाया पैराग्राफ, ठीक है, और पैराग्राफ के बाद मैंने उसमें एक आईडी एट्रीब्यूट दिया और लिख दिया नेम वैल्यू, ठीक है। तो जरा आप बताइए इस पी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ही लिखूंगा मैं, क्यों, हमने यहाँ पे आईडी दे रखा है और इसी आईडी के सहायता से हमें डेटा चाहिए, तो बस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड कॉल करेंगे हम, और यहाँ पे क्या दे देंगे, इस आईडी का वैल्यू, ठीक है, सेमी कॉलन दे दिया। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा इस पी एलिमेंट को, ठीक है। जब इस पी एलिमेंट को रिटर्न करके देगा तो हमको रखना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ई नाम का वेरिएबल बनाया और रख लिया, ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि जो पी एलिमेंट वो देगा वो दिखाई कैसा देगा, तो सिंपल सी बात है, आप कंट्रोल डॉट लॉग इसमें ई एल पास कर दीजिए, ठीक है, और प्रिंट करा दीजिए कंसोल पे पी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और कर दिया क्लिक और कंसोल पे आया तो यहाँ पे पी एट टूर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पैराग्राफ का जो एलिमेंट है इसके बीच में अगर कुछ लिखा जाए, ठीक है, तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखाई दे देगा ना, वो तो डॉक्यूमेंट में दिखाई दे ही देगा। तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे, तो कैसे इसके बीच में लिखा जाएगा, तो कोई भी एलिमेंट उसके बीच में अगर आपको कुछ लिखना है तो क्या करेंगे आप, इनर एचटीएमएल, नहीं इनर एचटीएमएल नहीं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप एक्सेस करेंगे या एचटीएमएल प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनर एचटीएमएल का मदद लूंगा टेक्स्ट का नाम लेते हुए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ डेटा राइट करना है तो क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे EL, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा पी पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ, ठीक है। फिर डॉट लगा के लिखेंगे इनर HTML, ठीक है। जिस तरह से जावा कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट भी कैश सेंसिटिव है, ठीक। तो ये क्या है, इनर HTML, इसका प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी मान लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में हमें डेटा सेट करना है, तो कौन सा डेटा सेट करना है, तो इस नेम में जो डेटा लिखा हो वो वाला डेटा सेट करना है, ठीक। तो ये नेम को भी तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तो इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से नेम को सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहें तो यहां भी डॉट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने जब वैल्यू लिख दिया तो इस नेम में सीधा नेम का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे मैं आके सेमी कॉलन दे दूंगा, ठीक। अब चलाते हैं प्रोग्राम,
ठीक है, और यहाँ पे आके करता हूँ मैं एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, नेम वगैरह कुछ हो, इस पे कर दिया मैं क्लिक, तो यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ दूसरा नाम लिख दूं, राम श्याम मोहन सीता गीता कुछ भी नाम लिखूं, तो पुराना डेटा हट गया, नया डेटा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस पैराग्राफ में ही डेटा सेट करो, बाकी जितना डेटा डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है एचटीएमएल में वो सब एज इट इज रहने दो। लिखना कहाँ है वैल्यू को, तो इस पैराग्राफ के अंदर में, ठीक। तो इसमें तो कोई किसी को समस्या होना नहीं चाहिए, होगा, क्या कहते हैं आप लोग, अभी तक समस्या होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना, चलिए नहीं होगा समस्या तो बड़ा अच्छा बात है। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बीआर लिखता हूँ, तो यहाँ से नेम उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या उठा लें, मोबाइल उठा लेंगे, यहाँ से ईमेल उठा लेंगे, ठीक है, ईमेल मोबाइल, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये तीन ठो डेटा जैसे ही मैं क्लिक करूं यूजर का तो दिखाई देने लगे, ठीक है। तो तीन ठो डेटा मैं लूंगा, ठीक है। पैराग्राफ को भी मैं तीन बार रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे तीन ठो वैल्यू दिखाना है ना, यहां नेम वैल्यू को लिया हूं, यहाँ पे ले लूंगा मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे ले लूंगा ईमेल, ठीक है, इसको भी मैं तीन बार रिपीट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मोबाइल ईमेल, ऐसे ले लिया। क्या करें, बी के बाद आई ने इस तरफ भी नहीं लगा, आपका आवाज ब्रेक होता जा रहा है, बी के बाद आई नहीं लगाया मोबाइल में इसी लाइन में। अच्छा हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, हम लगा देते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, हम तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे में मोबाइल, फिर इसके बाद ईमेल, ठीक है। वेरिएबल का नाम भी बदलना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगा के नेम कर देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं मोबाइल भी कर लूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल भी कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा और इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। अरे वाह यार, ये सेलेक्ट करने का ठीक सिस्टम है, बढ़िया टेक्निक है ना। हाँ यार, HTML इक्वल टू EL अंडर इसको लिख, एक मेरा चल तीन, चल तीन मेरा है। नेम लिख दूंगा यार यहाँ पे, मोबाइल लिख दूंगा, ईमेल लिख दूंगा, ठीक है, और आ जाऊंगा नीचे, ठीक है। इसको मैं करूंगा ऐसे रिफ्रेश, ठीक है। नेम बताइए भाई, क्या है नाम आपका, छोटे लाल जी आपका क्या करें, हाँ चलिए नीचे जी का लिखिए अपने, कोई नहीं, नीतीश लिख दिया, एक दो तीन तीन चार मोबाइल नंबर दे दिया, नीतीश एट द रेट गूगल डॉट कॉम, ठीक है, कर दिया। तो ठीक है, तो भगवान का कृपा था हमारे पास और ये पता नहीं क्या क्या आ गया, मजा नहीं आया।
अबे ऐसा क्यों आ गया, यहाँ पे आके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आ गया कि मैंने ना कुछ गलतियां कर दिया, यहाँ पे सीधा मैं एलिमेंट को ही दिखा दिया, अब सही आएगा। तो अभी शो करूंगा तो नहीं होगा, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा हमको। ठीक है, नीतीश नीतीश एट द रेट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, इस पे क्लिक किए तो ये आ गया। ठीक है, वो गलती क्या क्या था, सुधार क्या हुआ था बताएगा वापिस। गलती ये था कि इस इनर एचटीएमएल में मैंने इस कंट्रोल पी पैराग्राफ को ही मैंने यहाँ पे कर दिया था। जैसे पहले क्या था, ऐसे था कोड, ऐसे ऐसे। हाँ, तो पैराग्राफ ही सेट हो जा रहा था इसके इनर एचटीएमएल में, तो पैराग्राफ तो दिखा नहीं सकता ना, प्रीव्यू तो करेगा नहीं, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही दिखाएगा, तो वही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, काम कर लिया करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत तो इसमें भी कुछ आना नहीं चाहिए, आएगा दिक्कत नहीं आएगा, नहीं आएगा एकदम। सो पे क्लिक किया, सो हो गया। फिर से यहाँ पे मैं नाम बदलूंगा, ऐसे ऐसे ईमेल में भी चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पुराना डेटा हट गया और नया डेटा आ गया। ये तो बहुत तकलीफ वाला बात है, पुराना डेटा हट जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना। आप क्या चाहते हैं, तो पुराना डेटा भी उपलब्ध है? पुराना डेटा भी उपलब्ध रहता तो अच्छा रहता, क्यों आप लोग नहीं चाहते क्या ऐसा? नहीं नहीं एकदम एकदम ऐसा ही चाहते हैं, अभी चाहते हैं ना। तो पुराना डेटा अभी दिखा दूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना? कि होगा? नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए, पुराना डेटा को भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे मेरे को सीधा ही डॉम मैनिपुलेशन बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सोचा कि यही पहले बता देते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना, सिर्फ एक पैराग्राफ रहने देते हैं। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सो डेटा नाम इसका दे देता हूं। ठीक है, और सारा डेटा मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहां जो आईडी है इसको मैं कर दूंगा यहां पे पेस्ट। ठीक है, यहां पे मैं कर दूंगा डेटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, पुराना डेटा को रखने के लिए कॉन्केटिनेट का ऑपरेट, कॉन्केटिनेशन जैसा चीज हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं कि यहां पे एक वेरिएबल बनाऊंगा HTML के नाम से। ठीक है, और इसमें ये वाला साइन दूंगा, ये वाला साइन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? बस यहां पे आके कर दूंगा इंटर। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, बाकी का कोड टाइपिंग करना मैं शुरू कर दूंगा। तो यहां पे नेम लिखूंगा, ठीक है, फिर नेम वेरिएबल लिखूंगा। तो नेम वेरिएबल कैसे लिखूंगा, ऐसे। ठीक है, इसे कहा जाता है टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, यहां से बैकटिक का साइन दे देंगे हम, और इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। कोई वेरिएबल का डेटा हमें एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, डॉलर करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे। राइट, तो इन नए जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आऊंगा और बी आर टैग दे दूंगा मैं। ठीक है,
इसी को नीचे आके मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पे मोबाइल लिख दूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा, ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा, फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा मोबाइल लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा रख दिया मैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल सी इस पैराग्राफ में डेटा दिखाना है, ठीक है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तरीका थोड़ा सा मैं बदल दूंगा, डेटा डॉट इनर HTML, ठीक है, ऐसे करूंगा, और फिर इक्वल टू का साइन देके पहले HTML में करता था, ऐसा ही करता था ना पहले, सीधा वैल्यू पास कर देता इसमें, लेकिन अब मैं सीधा वैल्यू पास ना करके कॉन्केटिनेट करूंगा यहाँ पे, कि जो पुराना डेटा हमारे पास है, पुराना डेटा जाना नहीं चाहिए, ठीक है, पुराना डेटा खत्म नहीं होना चाहिए, और उसमें पुराना डेटा तो रहे लेकिन नया डेटा भी ऐड कर देना है, जोड़ देना है पुराना डेटा भी, राइट। तो ये शो डाटा कहां से आया, क्या कह रहे हैं, शो डाटा आया कहां से, ये कहां पे शो डेटा है, अच्छा ये वाला शो डेटा, ये शो डेटा जो है आईडी का नाम है, ठीक, ये आईडी का नाम है शो डेटा, ठीक है, ठीक है, ये इसका एक एक जो छोड़ा था उसका नाम है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्राउजर में, इसको कर देता हूँ रिफ्रेस, करने से पहले मैं एक और क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, A4 से ऐसे किया, नेम लिखा नीतीश, ठीक है, मोबाइल नंबर nitish@google.com, शो डेटा पे क्लिक किया, ये आ गए नीतीश कुमार जी, ठीक है। ये डेटा पुराना रह ये जा रहा है, हट नहीं रहा है, ये हट जाता तो क्या होता, हमको मैनुअली डेटा हटाना नहीं पड़ता, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, करके दिखा दूं क्या अभी, दिखा दे रहा हूं, इसी को करेंगे हम कॉपी, ठीक है, और क्या करेंगे, डेटा सेट कर दिया हमने HTML में, ठीक है, यहाँ पे डेटा सेट हो गया ना HTML में, तो इसी को मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और इक्वल टू कर दूंगा ऐसे खाली, ठीक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्यों, तो हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, वैल्यू को हम हटा देंगे यहाँ से, हमें ज्यादा यहाँ पे लंबा लिखना पड़ रहा था ना, यहाँ से भी वैल्यू हटा देंगे और यहाँ से भी क्या करेंगे, वैल्यू हटा देंगे, तो अब मोबाइल में ईमेल में जो है पूरा जाएगा कंट्रोल, HTML का पूरा इनपुट टैग जाएगा ना, अब यहाँ पे हमें कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, नेम के साथ ऐसे VALUE वैल्यू लिखना पड़ेगा, राइट, डॉट VA वैल्यू, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करा, HTML में डेटा सेट करने के बाद आया नीचे, ठीक है, और इक्वल टू का साइन दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है, अब पुराना टेक्निक काहे मैं बोला कि सही नहीं था वो वाला, तो उसमें क्या था कि हमें पूरा इतना लंबा लिखना पड़ता था ना पूरा, और अभी छोटा सा वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखना पड़ा है, ठीक है, तो अब हम इसको चला देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया, नीतीश लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, और यहाँ पे nitish@google लिखूंगा तब न मजा आएगा, google.com, ठीक है, आ गया डेटा, अब डिलीट हो गया यहाँ का डेटा, फिर यहाँ पे लिखता हूँ
अरविंद, ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देते हैं और @facebook.com, ठीक है। चलिए, आप फेसबुक में काम कर ली थी तो ये यहाँ पे फिर से डेटा आ गया है, ठीक है। हाँ, ये बात जमा है। फिर क्या करेंगे, और कोई है क्या? छोटे लाल, छोटे लाल जी, हाँ तो बढ़िया है। ओ नीतीश जी, छोटे लाल सो गए। नहीं भाई, इनको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। व्हाट्सएप एड नहीं नहीं छोटे लाल @tiktoker.com, ठीक है। ओ, ऐप भी तो लिखा जाता है, ठीक है। अब कर देता हूँ यहाँ पे, तो चलिए अपना भी हम नाम लिखिए देते हैं, ठीक है। क्या करें, टिकटॉक में जाइए। नहीं मैं यूट्यूब चला जा रहा हूँ, चाइनीज कंपनी है ना, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ आ गया ना। तो अब मेरा एक